नमस्कार, 10 कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। 10 कदम में रॉयल चैलेंजर्स पूरी तरह बेदम हो गए हैं, जबकि रिलायंस की दहाड़ने की कोशिश भी नाकाम होती दिख रही है। और इस वक्त के समीकरण पर हम चर्चा करेंगे स्टूडियो में मौजूद अपने क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी से, और साथ ही साथ अपनी फेवरेट टीमों और खिलाड़ियों के बारे में बात करने के लिए हमारी सहयोगी सारा और सूर्यांशी भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, आप किसके साथ थी सारा? कल मैं करुण जी पूरी उम्मीद कर रही थी कि गुजरात जीतेगी। हालांकि मनी सर और मैं यही बात कर रहे थे कि मुंबई के लिए हम इसलिए नहीं बोलेंगे कि भाई वो आठ में से जो वो छह पहले ही जीत चुकी है। हमको लग रहा था कि आज हो सकता है एक रोमांचक मुकाबला होगा, गुजरात जीतेगी, लेकिन वही है कि दोबारा और जब 11 पे रोक दिया होगा तो बहुत खुश हो गई होंगी कि अब तो बहुत आसानी से। मुझे लगा कि सुपर ओवर में तो कम से कम कुछ कमाल करेगी गुजरात, वहां पे भी कमाल नहीं कर पाई। जो ये अभी हालात, इससे खुश या ना खुश? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं मुझे, बल्कि मैं अमित जी से सवाल करना चाहती हूं। सवाल का तो ये नहीं है, आप अपनी बात बताइए। मैं सच में जानना चाहती हूं कि कैप्टन से टीम है या टीम से कैप्टन है? विराट के अकेले खेलने से देखिए, कैप्टन उतना ही अच्छा तब होता है जब जितनी अच्छी टीम खेलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश, और अब से थोड़ी देर के बाद मुकाबला होगा रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस वर्सेस सुरेश रैना की गुजरात लायंस। इस मैच पर हम बातचीत करेंगे, साथ ही साथ कल जो मुकाबला हुआ था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, भारत के पूर्व लेफ्ट आर्म बोलर, और अमित भंडारी, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज। साथ ही साथ हमारे साथ हैं सायरा और सूर्यांशी, दोनों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं शिखर धवन का धमाका, किस तरीके से हैदराबाद सनराइजर्स के काम आया केन विलियमसन की शानदार पारी। देखिए इस रिपोर्ट में, आउट हो गए तो शायद करीब और जा सकते थे, लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट रहा। सायरा, आप किसकी तरफ थी कल? हैदराबाद को चेयर करी थी आप या किंग्स इलेवन की तरफ थी? मैं तो हैदराबाद, जैसा कि बात कर रहे थे अमित सर और मैं, हैदराबाद की तरफ। आप देखिए ना, पंजाब का होम ग्राउंड था लेकिन हैदराबाद जीती है, तो ऐसे में तो ये इंटेंशन था आपके मन में या अभी आपने प्लान किया इसका? नहीं, प्लानिंग तो कल से ही थी अमित सर और मेरी, कल से ही प्लानिंग थी कि हैदराबाद ही जीतेगा, और मुझे लगता है कि शायद वो लोग हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही उन्होंने काम किया और जीते हो। स्ट्रेट अवे मुझे बताएंगे कि वो मुंबई के साथ है या गुजरात लायंस के साथ है? बीच का आंसर नहीं, गुजरात लायंस होम ग्राउंड पर है। मुझे लगता है जिस तरह से पिछली बार केके और बैंगलोर को हराया है, तो मुझे लगता है वो जो मेंटली जो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, उसका फायदा आज उनको मिलेगा। मुंबई की कंसिस्टेंसी आपको लग रहा है ब्रेक हो जाएगी जैसे पुणे सुपर जायंट्स ने की? नहीं, मुझे वही लग रहा है कि मुंबई क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग टीम है, तो उसको कैसे हरा पाएगा वो उनको आज देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आज सपोर्ट करूंगी कुछ। सूर्यांशी, आप किसकी तरफ? नमस्कार, 10 कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण, और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है स्पिन के बादशाह मनिंदर सिंह और पूर्व तेज गेंदबाज अमित भंडारी, और इनके अलावा हमारे सहयोगी सूर्यांशी और सारा भी मौजूद हैं अपने एक्सपर्ट कमेंट्स के साथ। कौन सी टीम है फेवरेट उनकी, आज किस तरह का मुकाबला, इन पर बात करेंगे, और साथ ही मोहाली में होने वाले महामुकाबले की भी बात करेंगे। सेमी का भी आना जो है वो कुछ समीकरण बदल सकता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप चार प्लेयर खिलाते हैं और कैसे कॉम्बिनेशन खिलाते हैं वो डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है बॉलिंग। जैसा गुजरात लायंस ने एंड्रयू टाई और जेम्स फॉकनर को खिलाया, शायद यहाँ पर भी एक मीडियम पेस से खेलने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि किस कॉम्बिनेशन से वीरेंद्र सहवाग अपनी टीम को उतारना चाहेंगे, या वापस वो शॉन मार्श को लाना चाहेंगे या एक मीडियम पेस से लाना चाहेंगे, यही मेरे को बदलाव दिखता है। चलिए, और लेडी लक किसके साथ है? हैदराबाद। अच्छा, आप हैदराबाद की तरफ है, और मैं ये बोलना चाहूंगी गर्मी का मौसम है तो मैं लस्सी पीना चाहूंगी, किंग इलेवन पंजाब। हाँ, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पे, मुझे लगता है कि शायद इस वजह से तुमको लग रहा होगा सुनांशी, लेकिन मुझे लगता है कि हैदराबाद को जरा हराना ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। नमस्कार, 10 कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर मनिंदर सिंह और पूर्व तेज गेंदबाज अमित भंडारी, और साथ ही हमारी सहयोगी सारा और शैली भी अपने कमेंट्स के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आज विराट बनेंगे बाहुबली।
तो अब नहीं तो कभी नहीं ऐसा वक्त आ गया है आरसीबी के लिए। हालांकि गुजरात के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो हालात बेहतर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दो अच्छी टीमें मनिंदर जी और बॉटम के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, इसको आप किस तरह से आईपीएल में देखते हैं? बहुत बढ़िया बात कही आपने, दो अच्छी टीमें और बिल्कुल बॉटम पर है इस समय। आई थिंक ये दोनों टीमें हैरान होंगी अपने टीम्स के परफॉर्मेंसेस से, इन दोनों टीमों की लय ही नहीं बनी अभी तक। लेकिन कभी कभी करुण ऐसा होता है कि आप एक मैच जीते, जब आपको पता है कि आपको सभी मैचेस जीतने हैं आगे पहुंचने के लिए, टॉप फोर में पहुंचने के लिए, तो कई बार ऐसी लय पकड़ती है टीम कि फिर वो सारे मैचेस जीत के पहुंच ही जाती है और ऐसे में फाइनल में भी पहुंच के जीत जाती है। हमने कई बार ऐसा होते हुए देखा है। मैं उम्मीद करूंगा आरसीबी अच्छा करे, क्योंकि बीइंग अ कोहली फैन मैं चाहता हूं कि उनकी टीम जीते और आगे बढ़े। सारा बहुत खुश हो गई है। वही मैं भी देख रहा था। वाकई आज मैं चाहती हूं कि कल जब हम बात करें तो हम बोले कि विराट का बल्ला बोला, और मैं उम्मीद करूंगी, दुआ भी करूंगी कि विराट। क्रिस गेल के साथ हमेशा से परेशानी रही है, पहला सीजन उनका रहा था बड़ी कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद मुझे लग रहा है उनको जो इंजरीज हुई है उससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। और एबी डिविलियर्स भी जो वापस आए इंजरी से, करुण इंजरी से वापस आके क्रिकेट में एकदम से रन्स बना देना, उन्होंने पहले मैच में तो बनाए, लेकिन आपका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल उतना हाई नहीं रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंजरी बैक ऑफ द माइंड में खेल रही होती है, प्ले कर रही होती है। और शायद यही कारण है विराट कोहली के साथ भी शायद वैसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि वो भी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। सो 100% नहीं है, और जब आप 100% फिजिकली फिट नहीं होते तो आपको मेंटली भी थोड़ी सी आपको तैयारी करने में प्रॉब्लम। पर अमित जी, वेरी क्विकली आई वांट टू आस्क हिम दैट कि अगर विराट कोहली आज टॉस जीतेंगे तो आपको क्या लगता है कि बैटिंग ऑप्ट करेंगे या बॉलिंग, उनके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होगा? देखिए, वो टीम या पहले बैटिंग करे या बाद में करे, आज आरसीबी करेगी, पर ये बताओ कि आप गुजरात लॉयल्स कौन से प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हो?